कैसा लग रहा है भाई? भाई बहुत ठंड है यहाँ पे। हम लखनऊ आ चुके हैं और लखनऊ में बहुत ज़्यादा ठंड है। करीब 9-10 डिग्री टेम्परेचर होगा। एक कम्बल ओढ़ के बैठा है, सौरभ का वेट कर रहे हैं। टी शर्ट्स हैं भाई सबके लिए। तो भाई हम लोग फाइनली आ चुके हैं यहाँ पर लखनऊ में, और ये है रूम जहाँ पर हम रुकेंगे। ये सौरभ का घर है, सौरभ त्रिपाठी का। नींद तो आएगी नहीं अब, ठीक है। ट्रेन में सो गए थे थोड़ी देर, और फिर उसके बाद सुबह सुबह हम निकल जाएंगे। पहले तो एक बिग बुल्स का टूर्नामेंट हो रहा है, वो देखने निकलेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे अवध पुलर्स क्लब का, ठीक है। तो चलते हैं। वाह, तो भाई हम आ चुके हैं लखनऊ में, दिन हो चुका है, और अभी हम कहीं जा रहे हैं घूमने। और निखिल का बॉडी वेट भी होना है, थोड़ा कुछ स्नैक्स वगैरह खाने जा रहे हैं बाहर सौरभ के साथ। मस्त मौसम हो रहा है एकदम, देख लो। डॉगी मेरा साथी। भाई लखनऊ का कौन सा प्राचीन हनुमान मंदिर? प्राचीन मंदिर। तो आ चुके हैं लखनऊ में, और लखनऊ में मैं हूँ सौरभ के साथ, स्कूटी पे। कल 24 तारीख है, और 24 तारीख को एमराल्ड हॉल में टूर्नामेंट होगा। वहाँ पर देखेंगे, बढ़िया बढ़िया फाइट्स होंगे, बढ़िया बढ़िया वीडियो क्लिप्स चलेंगी। आगे वीडियो में बने रहना। और अभी हम जा रहे हैं पिटबुल का एक आम रेसलिंग टूर्नामेंट है वहाँ पर, ठीक है। वो भी पास ही के अंदर ही हो रहा है, वो भी देख के आएंगे क्या है वहाँ पर, कैसा टूर्नामेंट हो रहा है। मेरा दोस्त निखिल वहाँ पर खेल रहा है। लेट्स सी। हाथी दिखाई दिए, हाथी ये यार, ये मुझे ऐसे भी लग रहा हम दिल्ली आ गए। ये मायावती का पार्क है ना, ये दिल्ली में भी बना देना है सेम पार्क। बहुत है भाई, ये आ गए हैं हम एमराल्ड मॉल में। काफ़ी बढ़िया मॉल है, H&M भी है यहाँ पे, और पार्क शॉपर्स होंगे। आज मॉल जाने के लिए तैयार है एमराल्ड मॉल में, जहाँ पर अवध पुलर्स क्लब का टूर्नामेंट हो रहा है। और जाने से पहले मैं जो है फ्री कप अपने बैग में साथ में डाल के चलूँगा, जो कि प्री वर्कआउट है बिग मसल्स का, और बहुत बढ़िया फोकस स्ट्रेंथ आपको फील होती है, फटीगनेस बहुत कम फील होती है, जिससे आप बहुत अच्छा वर्कआउट कर पाते हो। मैं इसे टूर्नामेंट खेलने से पहले यूज़ करूँगा, करीब 10-15 मिनट पहले, ठीक है। तो जब मेरे मैचेस होंगे तो मुझे एक्टिव फील होगा, मतलब काफ़ी फोकस्ड फील होगा, ठीक है। तो इसको मैं यूज़ करूँगा इस शेकर में, ठीक है। और चलते हैं एमराल्ड मॉल, यहाँ से अभी आधे घंटे का रास्ता है, और वहाँ पे सौरभ पहुँच चुका है, हम निकलते हैं। लोग निकल चुके हैं पैदल पैदल एमराल्ड मॉल के लिए, और आधे पौने घंटे पहुँच जाएंगे। बीच में चाय वाय भी पियेंगे, थोड़ी सी पकौड़े वकौड़े भी खाएंगे। मौसम हो रहा है मस्त, लेफ्ट हैंड से मैच है, पूरी तैयारी है, मस्त मौसम हो रहा है। राइट राइट जाना है हाँ भाई। मोटे डोरेमोन डोरेमोन पॉकेट में क्या है तेरी है? एक मिनट के लिए थोड़ा ब्रेक, हिमांशु एक मिनट के लिए बाउट रुकवा दीजिएगा, एक मिनट के लिए बाउट रुकवा दीजिए प्लीज, बाउट रुकवा दीजिए। आप लोग दो साइड हो जाइए, हमारे शिवांशु कौशिक एंटर कर चुके हैं। संघर्ष के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद ये मौका मिला है। राम राम भाई सबको। भाई लखनऊ से ही हो सब, या फिर बाहर बाहर से भी हो, दिल्ली से भी? अच्छा लग रहा है भाई, सब आए हैं यहाँ पे। आम रेस्टिंग काफी बड़ी हो चुकी है भाई, टीवी पे भी आ रहे हैं, और हर स्टेट में टूर्नामेंट हो रहा है, ऑलमोस्ट नेशनल हो रहे हैं, इंटरनेशनल हो रहे हैं, ठीक है। तो
अच्छा लग रहा है बहुत देख के। कल आज ही खेलूंगा लेफ्ट हैंड से मैं यहाँ पर, ठीक है? तो लेफ्ट हैंड में खेलेंगे। और बिलो 75 केजी के लिए तो आपको पता ही होगा, तो कुछ भी दिक्कत लगे ड्यूरिंग द टूर्नामेंट तो आप उनसे ट्रीटमेंट करा सकते हो, या कोई भी इंजरी होती है ड्यूरिंग द टूर्नामेंट तो उनके क्लिनिक में फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा, ऐसा उन्होंने वादा किया है। डॉक्टर कमाल फ्रॉम फाइव स्पोर्ट्स के चैनल में भी जाएगा। रेफरीज ग्रिप में कोई मूवमेंट नहीं होगी, रिस्ट स्ट्रेट कर ले और अभी एक और राउंड होगा। पिछले एक साल से लगातार वो स्पोर्ट करवा रहे हैं, हिमांशु जी भी आए थे, जैसे इन्होंने निमंत्रण दिया उनको आने के लिए तुरंत उन्होंने कहा कि बिल्कुल हमारी टीम रहेगी, जो निर्धारित कार्यक्रम थे उसके कारण वो में है। अगर यहाँ होते तो जरूर कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते और बहुत हाई एनर्जी गेम है और युवा बहुत अट्रैक्टेड है। लड़का युवराज वर्मा जो एक बहुत ही अच्छी फिजिक के साथ हम लोग देख रहे थे, सेंटर लेंगे जिन्हें हमसे जवाब चाहिए। एक प्लेयर
तो भाई अब मेरे बाउट्स स्टार्ट होने वाले हैं और बाउट्स स्टार्ट होने से पहले मैं ये प्री वर्कआउट लूँगा, ठीक है, तो कि ये थोड़ा सा बॉडी को वार्म कर देगा और जो है ब्लड फ्लो सा बढ़ जाएगा थोड़ा सा। तो सैयद अरमान भरत सिंह टेबल नंबर दो पे आ गए। सैयद अरमान भरत सिंह, सैयद अरमान भरत सिंह, सैयद अरमान भरत सिंह टेबल नंबर दो पे, टेबल नंबर दो पे। Hola, 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 hola
साइड 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 कप आ रहा है प्रेशर आ रहा है थोड़ा सा कप रेडी हो सब मैच शोल्डर स्क्वायर रेडी हो चल तेरी रेडी हो सब मैच लखनऊ ग्रैंड इंडामस लीग चैंपियनशिप के सीओसी विनर है युवराज तो भाई अवध पुलर्स क्लब के इस टूर्नामेंट को खत्म हुए हुए ऑलमोस्ट 3-4 दिन हो गए और अब जाके मैं एंडिंग वीडियो बना पा रहा हूँ ठीक है। तो सबसे पहले मैं थैंक यू कहूँगा सबको, सौरभ त्रिपाठी को, हिमांशु मिश्रा को और जो सारी टीम थी अवध पुलर्स क्लब की और हिंद आम रेसलिंग की, सब ने बहुत मेहनत करी जिसकी वजह से टूर्नामेंट सक्सेसफुल हो पाया ठीक है, कोलैप्स नहीं हुआ और ज़्यादा देर तक चला भी नहीं, 9-10 बजे तक ही प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गए थे COC फाइट के साथ ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, बहुत लोग आए मेरे कहने पर, 250-300 लोगों का कम से कम क्राउड आया ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा ये सब देख के एंड आप सबके साथ फ़ोटो खिंचवाई, आप सबका प्यार बहुत अच्छा लगा। इसके बाद मैं थैंक यू करना चाहूँगा सारे ही सारे स्पॉन्सर्स को जिन्होंने हेल्प करी कैश प्राइज में एंड मेडिकल पर्पज़ से भी इस टूर्नामेंट को जो है हेल्प करी, जैसे फाइव स्पोर्ट्स जो हैं उन्होंने जो है फिजियोथेरेपिस्ट की पूरी टीम रखी थी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करते किसी बच्चे का अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती तो, कोई भी इंजरी आती तो, ये बहुत अच्छी बात है। अभी सौरभ को 2.5-3 महीने हुए हैं टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते हुए और 10-10 साल 20-20 साल से जो लोग टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उन्होंने आज तक मैंने बहुत रेयरली कहीं पर देखा है कि कहीं पर फिजियोथेरेपिस्ट की टीम रखी हो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक स्टेप है। उसके बाद DOV इंडिया जो हमारे ड्राइविंग पार्टनर थे ठीक है और वो इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ बनाते हैं, बहुत बढ़िया काम है उनका भी एनवायरनमेंट के हिसाब से, उन्होंने भी स्पॉन्सर किया इस टूर्नामेंट को। एंड इसके बाद जो फिटनेस रेजिमेंट जिम है जो कि मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए स्पेशली जिम बनाया गया है तो उस जिम ने भी स्पॉन्सर किया था, तो उसको भी बहुत बहुत शुक्रिया। वहाँ पर आप जा सकते हो लखनऊ में, मिलिट्री ट्रेनिंग के पर्पज़ के लिए ही मेनली वहाँ पर लोग जाते हैं ठीक है, और वहीं पे उसी हिसाब से इक्विपमेंट्स और ट्रेनिंग वगैरह होती है ठीक है। तो थैंक यू सो मच सबको और इसी तरीके से और आगे टूर्नामेंट जो है हम ऑर्गेनाइज करते रहेंगे, मैं भी हो सकता है आने वाले टाइम पर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करूँ क्लोज आर्म रेसलिंग का। एंड एक और जो है कॉन्सेप्ट जो मैं लेके आने वाला हूँ वो है सुपर मैच सीरीज़ जो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएगा ठीक है। तो अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। फर्स्ट टाइम लखनऊ आया था, अब आता रहूँगा ठीक है, और शायद अब राइट हैंड से खेलूँ भी, थोड़ा थोड़ा रिकवर हुआ हूँ, 60-40% के अराउंड रिकवर लग रहा है ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते अगली वीडियो में, जय श्री राम।